फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल, लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ का गणित सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 24 करेंगे और ये हिंदी मीडियम में है दोस्तों। तो आपको इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत व एकांतर कोणों की पहचान तथा इन कोणों के बराबर होने की स्थिति को पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक सम परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होगी। तो इस पे तो आपको एक प्रूफ करना है दोस्तों, और इस पे एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप ये जो दिया हुआ है इसे आप बेहतर तरीके से पढ़ चुके होंगे और बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश किए होंगे। तो आइए इसमें अब डायरेक्ट चलते हैं, इसमें जो सवाल पूछे उसे हम बनाने का प्रयास करते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से। ओके फ्रेंड्स, और ये जो क्वेश्चन है इसे आप सिद्ध करके रहेंगे, सिद्ध कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं फिर से आपको इस पर वीडियो बनाकर बता सकूं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अतः एकांतर कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले जो है ना पी क्यू एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू ए लाइन ड्रॉ करने के बाद आर एस किया, तो एक क्या हो गया, पैरेलल हो गया। फिर हमने ए ओ किया, फिर उसके बाद जो है ना ए बी सी और ओ, ठीक है। तो उसके बाद एंगल पहला, एंगल दूसरा, एंगल तीसरा, एंगल चौथा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो बी और सी, ये भी क्या हो जाएगा, मतलब ये भी एक तरीके का शीर्षा, वो क्या कहते हैं, रैखिक युग्म से जो है ना दोस्तों, ये भी बराबर हो जाए। तो सिद्ध करना क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर किसका है, आर एस का, अर्थात परिमाण बी ई जो है ना एंगल पी बी सी की समद्विभाजक है। तो एंगल, इसीलिए एंगल बी पी बी सी इक्वल टू टू एंगल वन, तो इक्वेशन पहला हो गया। इस तरह सी जी जो है ना एंगल बी सी एस की समद्विभाजक है, तो इसीलिए जो है ना बी सी एस इक्वल टू टू एंगल थ्री। तो बी ई पर जो है ना पैरेलल हो गया सी जी के, तथा ए डी एक तिर्यक रेखाएं हैं, तो अतः एंगल दो और एंगल तीन कोण अभिगृत है, तो टू एंगल टू और एंगल टू एंगल थ्री पी बी इक्वल टू बी सी एस। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना प्रूफ हो गया। इसको आप देखेंगे और एक एक करके आप देख करके समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाइन्थ क्लास का वर्कशीट नंबर 24 का। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आकृति में दिए गए आकृति दो में एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल सी डी के हैं, ठीक है दोस्तों। तो 50 डिग्री है ए बी, और उसके बाद जो है ना ए बी और सी डी जो है ना वो 130 डिग्री है। तो इसको आइए कि कितना कैसे दर्शाए बेहतर तरीके से, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। हमने ए बी एक और सी डी एक पैरेलल लाइन लिया है, ठीक है। उसको दो, उसमें जो रेखाएं हैं एक्स और वाई जो है ना क्या कर रही है, उसको काट रही है। तो एंगल वन जो है ना 30 डिग्री हमने मान लिया, सॉरी 130 डिग्री हो गया, और एंगल टू कितना 50 डिग्री हो गया। तो पी क्यू काटती है, तो जो है ना तो सी डी को एफ बिंदु पर, ठीक है। फिर वाई इक्वल टू एंगल वन 130 डिग्री हो गया रैखिक युग्म से, और एक्स प्लस एंगल टू इक्वल टू 180, ये शीर्षाभूमि कोण से हो गया। तो एक्स प्लस 50 बराबर 180, तो इसको आप अगर माइनस करेंगे तो एक्स बराबर 180 माइनस 50, तो एक्स इक्वल टू 130 डिग्री। ये समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करेंगे हम, मैच करेंगे दोस्तों। तो एक्स एक्स प्लस वाई बराबर 130, तो दो से समांतर रेखा तथा एकांतर कोण बराबर होते थे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130। तो ये सिद्ध हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आप ये सिंपल भी यहाँ निकाल करके देख सकते हैं, वाई का मान जो है ना दोस्तों 130 डिग्री होते, शीर्षाभूमि कोण से जो है ना वाई का मान जो है ना क्या हो जाएगा, वो भी 130 डिग्री हो जाएगा। और 50 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स इक्वल टू 180 में से अगर आप 50 डिग्री को माइनस करेंगे तो 130 डिग्री हो गया। ये रैखिक युग्म से हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, रैखिक युग्म से हो गया, और ये शीर्षाभूमि कोण से,
तो दोस्तों ये रहा आपका क्लास 9th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वर्कशीट 24। दोस्तों अगर इस मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको जान जो चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।